नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज और मैं हूं आपके साथ संगमित्रा पाटीदार। एम्स निदेशक का दावा, भारत में कम मारक हुआ कोरोना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस की मारक क्षमता में कमी आई है। शुरुआत में कोरोना काफ़ी गंभीर लक्षण वाला था। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीयों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है क्योंकि अधिकांश का BCG टीकाकरण हुआ है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, अब 90% से अधिक मरीज हल्के लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। देश में 80% मामले में 12-13 शहरों से आए हैं। यदि हमने हॉटस्पॉट नियंत्रित कर लिए तो पीक 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। केस कम होंगे और इनके दोगुने होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो पीक जल्द मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। यदि लक्षण हल्के तो SCU लाभकारी। उन्होंने कहा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर दवाओं पर ट्रायल चल रहे हैं। रेमडेसिविर से रोगियों का अस्पताल में रुकने का समय कम होता है। HCQ हल्के लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए गली न्यूज़ के साथ।